यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में जीत के साथ बीजेपी ने जीत का चौका और छक्का लगाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत के साथ सत्ता हासिल की है। वहीं कांग्रेस को चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब तो आपको गोदी मीडिया दिखा चुका है। फिर भी मैं भी आपको यहाँ पर वही सब बता रही हूँ। मेरा यहाँ बताया जाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको शोषित और पीड़ित समाज को सही और हकीकत दिखा और बता सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा अम्बेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। बीजेपी की 4 राज्यों में जीत हुई, कैसे हुई सभी जानते हैं और सभी वाकिफ भी हैं। भाजपा को जिताने में सबसे ज्यादा गोदी मीडिया का हाथ रहा है, क्योंकि भाजपा हमेशा और पूरे साल चुनावी मोड पर रहती है। तभी विधानसभा चुनाव के होते ही और उसकी जीत मिलते ही मोदी गुजरात चुनाव के लिए 2 दिन के दौरे पर निकल पड़े हैं और भारी भरकम रोड शो करने और 4 लाख लोगों के जुटने का दावा भी किया जा रहा है। भाजपा का एजेंडा ही चुनाव प्रचार और उसमें जीत हासिल करना ही है। खास मकसद यही रहा है। जनहित की बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब है तो उनके मत से है। ये तो रही मोदी के जीत और दौरे की बात। अब बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्र मौर्य की, तो वो अब कुछ अलग नजर आती हैं। उन्होंने अभी हाल में कहा कि मैं बीजेपी में थी और रहूंगी। जी हाँ, ये वही संघमित्र मौर्य हैं जब चुनाव के समय में इनके पिताजी पर हमला हुआ था, और तब यही संघमित्र मौर्य चीख चीख कर कह रही थी कि भाजपा के दंगाइयों ने मेरे पिताजी पर हमला किया है। और आज खुलेआम आकर के कहती हूँ, फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे दंगाइयों को सबक सिखाएगी और मेरे पिताजी को भारी मतों से जिताएगी। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी, तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहाँ पर पुलिस पहुँची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहाँ से बचा के आई है। यहाँ तक कि ये भी कहा कि भाजपा के लोगों ने मुझे तक घेरा, एक महिला को घेरा, इसलिए यहाँ की बहु बेटियाँ स्वामी जी का साथ दें। लेकिन अब वही संघमित्र मौर्य ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, वह मेरे आदर्श हैं और रहेंगे, फिर भी मैं बीजेपी में थी और रहूंगी। वो अब ये कहती नजर आती है कि यूपी में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। वही समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य भाजपा सांसद के बावजूद फाजिल नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आई थी, लेकिन अब उनके तेवर नरम है। उनका कहना है कि बीजेपी में ही रहेंगी। अब वो भाजपा के प्रति सफाई देती हुई नजर आ रही हैं कि उन्होंने बीजेपी पर नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला था जो दंगा करते हैं। बाकी हार और जीत तो लगी रहेगी। वाकई राजनीति और सत्ता क्या कुछ नहीं करवाती लोगों से, ये तो समझ ही आ गया होगा। अब इससे तो इतना तो साफ होता नजर आता है कि सत्ता का नशा हर किसी के सर चढ़कर बोलता है, और सत्ता में बने रहने के लिए नेता, मंत्री या फिर सांसद हो, वो कैसे अपनी ही जवान से पलटते नजर आते हैं, ये तो सबने देख ही लिया है। इसलिए अगर यूपी की जनता सुनहरे और लुभावने विज्ञापनों पर ना जा करके जमीनी हकीकत को देखती तो शायद आज नतीजे कुछ और होते और शायद आज यूपी की तस्वीर और तकदीर बदली हुई नजर आती। खैर, ऐसे में एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे से क्या होगा। शुक्रिया।